दोस्तों अभी चल रहा है दुर्गा पूजा कलकत्ता में और हम फिर से निकल रहे हैं छोटा सा एक वीकेंड ट्रिप पे आप बोल सकते हो नॉर्थ बंगाल पे। तो वहाँ जाकर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस बार जो डुअर्स जो इलाका है उसको। मेरा बाल का हालत ख़राब देख सकते हो और साथ में मैं लेकर घूम रहा हूँ मारुति का विंडस्क्रीन जो क्लीनर है वो, क्योंकि इसको अभी अंदर डालना है क्योंकि पूरा रात भर आज को ड्राइव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो अभी इसमें फटाक से इसको डाल देते हैं ताकि पूरा रात का जो विंडशील है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो भाई अभी बजे हैं सुबह के 5:57 और फिलहाल मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। कल रात को 8 निकले थे। आप लोग देखो बीच में रास्ते में मैं कोई जानबूझ के कुछ दिखाया नहीं क्योंकि दिखाने लायक कुछ होता नहीं है रात को। तो काफ़ी ज़्यादा जैम तो नहीं बोलूँगा, रास्ता खाली ही मिला है। ठीक है, तो अभी भी लगभग 250 रास्ता बचा हुआ है और ETA जो है एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम जो है वो है लगभग 10:30 के आसपास, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लेट होगा इसलिए क्योंकि रास्ते में कहीं पर रुकूंगा, थोड़ा सा चाय सुबह का ब्रेकफास्ट ये सब पिक करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग फिलहाल जस्ट क्रॉस किए हैं रायगंज को। रायगंज एक शहर है, एक टाउन है वेस्ट बंगाल में। तो इसके बाद आएगा डालखोला, फिर आएगा इस्लामपुर, फिर आएगा आपका किशनगंज, फिर आपका आएगा सिलीगुड़ी। लेकिन हम लोग सिलीगुड़ी तक जाएंगे नहीं, उससे पहले बागडोगरा से लेके हम लोग जो रास्ता है निकल के सीधा हम लोग डुअर्स की तरफ चले जाएंगे इस बार। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और फिलहाल जो गाड़ी जो चला रहे हैं वो लगभग है 70-80 का स्पीड में, क्योंकि मेरे को माइलेज भी निकालना है, खाली गाड़ी जोर से भगाना नहीं है। तो चलिए अभी पहुंचते हैं कहीं पर, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर रुकते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई ये हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। अभी तो फिलहाल आप देख सकते हो दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट और बीच से ये एकदम रास्ता जो जा रहा है, मतलब यहाँ का जो सीनरी है ना वो देखने लायक है। और उधर से आप यहाँ अगर थोड़ा सा ऊपर मैं करूँ, इधर से आप देखो बगल से तीस्ता जो रिवर है वो भी फ्लो हो रहा है। तो ये एक माहौल पूरा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। लेकिन अभी भी होटल हम लोग का लगभग 50 दूर है। ये वेस्ट बंगाल टूरिज्म का प्रॉपर्टी है, वहाँ जाएंगे रूम टूर देंगे, कैसे प्रॉपर्टी है वो भी बताएंगे। और साथ में जो एडिशनल जो चीज़ आज को मिल रहा है क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है तो कांचनजंगा का व्यू भी आ रहा है, पता नहीं बीच बीच में कभी कभी दिख रहा है, देखो दिख गया बोलते बोलते, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। मैं नहीं दिख रहा है तो फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा, इस रास्ते से आपको वो भी दिख जाएगा। तो अभी गजब का पूरा माहौल काफ़ी बढ़िया सुंदर लग रहा है। और फिलहाल टाइम हो रहा है 9:33। कल रात को निकले थे 8 घर से शार्प एट 8 और अभी बज रहा 9:33, सो इट्स 13.5 ऑलरेडी ऑन रोड। चलिए होटल पहुंचते हैं और कांचनजंगा का कुछ अच्छा व्यूज आता है तो आप लोग को दिखाते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं रिसोर्ट पे, आप पीछे देख सकते हो आयोसो के चक्कर में फोटो बढ़िया नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि हम लोग पहुंच चुके हैं रिसोर्ट में। अपना रूम मैं दूर से दिखा देता हूँ, अपना जो कॉटेज है उसको पहले दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से आपको गाड़ी भी दिख जाएगा, पार्किंग मैं कर दिया। ये सामने वाला जो कॉटेज दिख रहा ना ये है भाई अपन का, और भाई काफी ग्रीनरी है, मजा आ गया। ये मैं गाड़ी को अपने यहाँ पार्क कर दिया, काफी सारे बंदे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी गाड़ी को भी यहाँ लगा दिया। काफी बड़ा पार्किंग है। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का टूरिज्म का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका नाम है तिलोत्तमा टूरिस्ट लॉज। अगर आप कोई गोरुमारा अगर रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क में अगर आते हो तो बिल्कुल भी इस जगह को चेकआउट करो, काफी बढ़िया है। बैठने का जगह है, सुंदर अच्छी लॉन बना हुआ है, आपको हर एक तरह का पेड़ पौधे दिख जाएंगे और आप यार एंजॉय करोगे अपने फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, किसी के भी साथ भी आओ। काफी अच्छा अच्छा स्कल्पचर भी बना हुआ है। अभी मैं ब्रेकफास्ट किया। ये खड़ा है आईटियाना। ठीक है, कल रात भर चला है, लगभग हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए हैं और क्या माइलेज निकल गया है एक बार शेयर कर देते हैं आप लोग लगे हाथों।
तो भाई जो माइलेज जो मेरे को मिला है 18.3 का, ठीक है, और जो टोटल जो हम लोग डिस्टेंस कवर किए हैं घर से वो है 682 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है काफी ज्यादा बेहतरीन माइलेज है, गाड़ी ने अच्छा सर्विस दिया है अभी दोस्तों। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। जो साइड सीन का जो पार्ट होगा वो अगले जो सेकेंड जो एपिसोड आने वाला है उसमें आप देखोगे। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं साइड सीन पे, रेस्ट नहीं लिया, कल रात से जगे हुए हैं लेकिन टाइम नहीं है रेस्ट करने का, पहले घूम के आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा।